नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू गोल्डन फ्लूट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपको ताल के साथ बजाने में प्रॉब्लम आ रहा है, या अगर आपको देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन जो अच्छा है, जो आपको ताल में लाने के लिए आपको मदद होगी, जिसके मदद से आप ताल में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, तो यहाँ पे एक रिदम नाम का एप्लीकेशन है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रिदम नाम का एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो रिदम विथ तबला एंड तानपुरा। एक्चुअली ये फ्री वाला वर्जन है, इसमें पेड भी वर्जन है। आप फ्री वाला अगर डाउनलोड करोगे ना, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, फ्री वाला वर्जन रहेगा उसमें सिर्फ एक ही ताल रहेगा, और यहाँ पे दिख रहा है ना जो आपको सी शार्प ये खमाज, इसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो ये वही रहेगा जो है वही। तो उसको अगर चेंज करना है तो आपको इसके लिए पेड वर्जन लेना पड़ता है। पेड वर्जन का कुछ 250 या कुछ तो अमाउंट है उसका, तो वो भी अच्छा एप्लीकेशन है प्रैक्टिस करने के लिए। फिलहाल मैंने तो डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको वहाँ पे जाके दिखा देता हूँ अभी कि वो एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है। और तो सबसे पहले इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। इसके फ़ायदा हमें ये होगा कि आप अगर ये एप्लीकेशन यूज करोगे तो एक तो उसमें तानपुरा भी है विथ ताल, तो उससे बेनिफिट क्या होगा आपको कि आपको अगर ताल में बजाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और उससे अच्छा बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट ये बेनिफिट उसका ये रहेगा कि आप अगर उसके साथ प्रैक्टिस करोगे, एप्लीकेशन के साथ उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो होगा क्या, ये रिदम के साथ आप बहुत टाइम तक उस एक ही अलंकार की बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाओगे, या उस पर किस तरह से काम करना है वो समझोगे। या और एक उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर देखा जाए ना, तो फॉर एग्जांपल कोई सरगम गीत है, समझो सारे गम सारे गम सारे गम प धनी सानी धप सानी धप सानी धप मगर सा, ये मेरा टेम्पो है अभी 150 तक था। तो इसको आप अगर आप बहुत सारा बढ़ाओगे, 250 280 तक करोगे, तो वो जब फास्ट होगा, जो ताल फास्ट चलेगा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन, तो उस ताल के साथ एक बीट पे हमें एक स्वर आना चाहिए, वो कैसे मैं अभी आगे भी दिखाऊंगा। तो वो जैसे इंप्रूव होता जाएगा ना, तो उसके साथ जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस रहेगी, उससे बहुत सारा आपको फायदा होगा। तो वहाँ पे हमें काम करना है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि ये एप्लीकेशन को आपको काम करना है। तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, अभी ये सी स्केल है, यहाँ से आपको जो स्केल है आपकी फ्लूट की जो स्केल है, तो वो स्केल यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो अभी आपकी फ्लूट की जो भी स्केल रहेगी, फॉर एग्जांपल अभी समझो मैंने ई ले लेता हूँ, ई बेस आपके पास है, ओके। तो यहाँ पे स्केल सिलेक्ट करना, तानपुरा बिलावल है वही रखना। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह हो रहेगा, या जिससे आपको साउंड थोड़ा बढ़ाना रहेगा, तो उसके लिए कुछ ब्लूटूथ स्पीकर भी मिलता है 1200-1500 में, 500-600 रुपये में मिलता है जाता है। नहीं तो सिंपल स्पीकर रहते हैं ना कंप्यूटर के, उसका भी कॉर्ड लगा के यहाँ पे आवाज़ बढ़ा सकते हो। तो वो आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा के रखना, क्योंकि आपको हर एक बीट अच्छे से सुनाई देना चाहिए। जब हर एक बीट पे आप काम करोगे, हर एक बीट आपको अच्छी तरह से देखोगे उस पर, तो जाके वो आपको आगे उसका फायदा होगा, तो उसके साथ चलने को आपको इजी हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ध्यान में रखो। उसके बाद यहाँ पे ताल दिया है, बहुत सारे ताल दिए हैं यहाँ पे, देखो दादरा तुमाल केरवा ओके जब ताल सब एक ताल सब ताल दिए हैं यहाँ पे। फिलहाल हम मैं अभी बेसिक दिखाने जा रहा हूँ आपको तीन ताल पे, ओके। तीन ताल वन मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये एक नंबर जो है ये बीट है, यहाँ पे जाएगा ओके। इसका टेम्पो 240 है, उसके डिटेल बारे में देखा जाए तो तीन ताल है क्या, कौन सा स्केल लिया है हमने, क्योंकि अभी अंदर है यहाँ पे समझना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दिया है स्केल कौन सा है। और यहाँ पे जो जो भी ताल रहेगा ना, उसके यहाँ पे बोल है, देखो धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, ओके। अगर और अगर यहाँ पे चेंज वैल्यू में जाओगे, तो यहाँ पे आपको चेंज वैल्यू कर सकोगे। अभी समझो तबले का वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा रखना है, तानपुरा चाहिए ही नहीं आपको, तो ये ओके करके आप प्ले कर सकते हो। देखो सिर्फ तबले का तो आवाज़ आ रहा है अभी, तो वही आप अगर तानपुरा भी करोगे तो साथ में तानपुरा चलेगा, ओके। और जो आपके इसमें डिपेंड करता है आपको कौन सा इसका ज्यादा कम रखना है ना, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ओके। तो
इसके बाद तानपुरे के साथ प्रैक्टिस करना, वो भी एक अलग मेथड है, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा उसके लिए भी, कि तानपुरा का लोगों को उसका इतना वैल्यूएशन क्यों है वो अभी पता नहीं। तो फ्यूचर में जाके जब आगे जाके किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ या किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ वो प्रैक्टिस करते या बजाते ऑन स्टेज ना, तब जाके समझ में आ जाता है हमारा सा और वो इंस्ट्रूमेंट का सा बजता नहीं साथ में, लगता नहीं है प्रॉपर। तो वो इसके लिए तानपुरा के साथ पहले से प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आते हैं कम टू द पॉइंट, तो यहाँ पे है चेंज टेम्पो, यहाँ पे मैक्सिमम 240 उसका हायर है, उससे ज़्यादा ये एप्लीकेशन नहीं चलता। मेरे पास जो ओरिजिनल तानपुरा है उसमें 400 तक जाता है, तो वो और बेटर है, उसकी क्वालिटी भी इससे बहुत गुना पे अच्छा है। मगर फिलहाल के लिए ये मोबाइल में यूज करने के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी प्राइस जो 7000 तक कुछ तो है, तो उससे कंपेरिजन में ये 250-300 रुपये में अच्छा चल जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपने समझो टेम्पो है, मैंने 100 कर दिया फिलहाल के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो ताल के साथ आपको प्रैक्टिस करना क्या है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप अगर प्ले करोगे धिम धिम धा धा धिम धिम धा धा तिम तिम ता ता धिम धिम धा धा धिम धिम धा धा धिम धिम धा धा तिम तिम ता ता धिम धिम, ये ताल इस तरह से ही चलता रहेगा। अब इसमें आपको समझो कोई सा आपके पास कोई अलंकार या पलटे वो इसमें डालना है। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने मात्रा के हैं जो आप बजा रहे हो ना, वो कितने मात्रा के हैं। समझो आपने 16-16 या 16 मात्रा के आप कोई ये बजा रहे हो, अलंकार बजा रहे हो या ये बजा रहे हो। अभी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके, अभी देखो ता धिम धा ता धिम धिम धा सारे गमा सारे गमा सारे गमा पधनी सानी धप सानी धप सानी धप मगरे सारे गमा सारे गमा सारे गमा पधनी सा नी ध प सा नी ध प सा नी ध प म ग रे सा सा रे। अभी ये क्या हो रहा है, मतलब एक बीट पे मैं देखो एक बीट पे मैं एक ही सुर बज रहा हूँ, धा 1 2 5 7 8 9 10 11 12, इस तरह से एक एक सौ रुपये एक एक बीट आना चाहिए। तो बजते टाइम पे भी आपको करना क्या है, आप अगर देखोगे कि हाँ मैं एकदम इजीली बजा पा रहा हूँ 240 स्पीड पे भी बजा पा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं, वो स्लो स्किप नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। बहुत बार क्या होता है हम बहुत स्पीड में बजा लेते हैं मगर हमें समझ में नहीं आता, उसको बोलते हैं स्वर को स्लिप होना या स्किप होना। तो क्या होता है सारे गा बजल मगर सारे गा बजल सामने बोल दीजिए, अभी ये बोलते बोलते भी मैं बहुत सारे स्वर स्किप हो रहे, मतलब उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही ना, वो क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके साथ आएगी, तो फिर कैसे करोगे, अब ये टेम्पो है उसको टेम्पो आप बढ़ा लोगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको रुका के टेम्पो बढ़ाता हूँ। अभी समझो आपने कर लिया 189, ओके 200, ओके मैं प्ले करता हूँ दा दिन दिन दा दा दिन दा दा सारे ग म प म ग रे सारे ग म प ध नि सा प म प ध नि सा नि ध प म ग रे सारे ग म प म ग रे सारे ग म प ध नि सा नि ध प नि ध प म सा नि ध प म ग रे सा। तो ये इस तरह से यहाँ पे चलेगा। तो अभी यहाँ पे भी 200 स्पीड रहेगा आपका टेम्पो, फिर भी आपको उसमें कंट्रोल करना करके बचाना आना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो सेम अभी उससे भी और आप टेम्पो बढ़ाएंगे 240 देखो सारे ग म सारे ग म सारे ग म प ध नि सा नि ध प सा नि ध प सा नि ध प म ग रे सा। इस तरह से स्पीडली भी आपको इजीली बजाते आना चाहिए। तो ये जस्ट डेमो था, अगर वही आपको अगर समझो कोई बंदिश भी बजा रहे हो आप समझो 170 पर, ओके था
तो इस तरह से कोई भी बंदिश या उसकी नवी मात्रा पे सम आते हैं वो सब ऑल डिटेल चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से अभी समझो ये पहली मात्रा नवी दसवीं ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एक दो तीन चार छः सात आठ। हाँ अभी जब आठवीं मात्रा खत्म होगी तो समझो आप कोई बंदिश बजा रहे हो, समझो ध सा ध प ग रे सा रे भूप राग, ओके तो वो तो सभी को पता है। तो यहाँ पे आप अगर करना है शुरू तो ताल के साथ बजाने तो कैसे बजाओगे, ओके तो यहाँ पे देखो ध सा ध प ग रे सा रे ग ग प ग रे सा ध सा ध प ग रे सा रे ग ग प ग रे सा सा रे ग प रे ग प ध ग प ध प ग रे सा ध सा ध प ग रे सा रे ग ग प ग रे सा। तो इस तरह से तो ये टेम्पो अभी वन अभी 119 स्पीड पर आप अगर बजा पा रहे हो जल्दी तो उसको और बढ़ाना और बढ़ाना। इस तरह से आप इसको बंदिश भी किसी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। होता क्या है बंदिश की सम जो है नवी मात्रा से आती है नाइन मात्रा से, तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना मात्रा गिनने में और समझने में तो क्या करना है उसको बैक कर लेना, इसको एक बार बैक करने के बाद फिर से इसमें जाना। अभी जब स्टार्ट करोगे तो पहली मात्रा से शुरू होगा, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ध सा ध प ग रे सा रे ग ग प ग रे सा, ओके तो इस तरह से वो चलता है। तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ताल के साथ बजाना इतना भी इजी नहीं है, बिगिनर लेवल के में ज्यादा मुश्किल आती है। एक बार थोड़ा थोड़ा ताल समझ में आने लगेगा ना, एक एक उसके बोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो बोल एक बार आपके दिमाग में आ गए तो उसके बाद आपको बजाने में कुछ तकलीफ नहीं होगी। और अभी आपके पास रेडल का या ये कोई ओरिजिनल तानपुरा या तबला है ना तो उसमें आप इजीली समझ पाओगे। उसमें क्या होता है जब ताल बजता है ना धा धिन धिन धा धिन, तो ये जब ताल चलता है ना तो उसमें क्या होता है ताल चलने के बाद है ना उसका जो साउंड क्वालिटी होता है ना उसमें डिफरेंस होता है। मतलब आप अगर तानपुरा के साथ ओरिजिनल तानपुरा तबला तानपुरा जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक उसके साथ आप अगर सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो फर्स्ट मात्रा रहती ना वो धा थोड़ा सा जोर से बजता है धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अभी ये जो धा ये जोर से चलेगा तो इस तरह से ही है। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में कमेंट डाल दो, इसके बारे में और कुछ आपको जानकारी चाहिए या कंफ्यूजन रहेगा तो वो भी बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो वाइब्रेशन, अगर यहाँ पे एक अच्छा एप्लीकेशन ये ऑप्शन है, यहाँ पे हर एक बीट पे वाइब्रेट होता है, मतलब धा धिन धिन तो हर एक इसमें वाइब्रेट होगा मोबाइल, तो उससे आपको फायदा होगा कि वो बीट समझने में आसानी हो जाएगी। और ये सॉरी मात्रा इसका कुछ नहीं करना, ये ऑलवेज स्क्रीन ऑन रखो तो अच्छा है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आप कौन से इस पर चल रहे हो, ताल पे चल रहे हो ना, तो इसके लिए समझने में इजी आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट में कमेंट डाल दो, जो प्रॉब्लम रहेगा तो मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। तो आपको लग रहा सच में लग रहा है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है और हेल्पफुल है तो जल्दी से कर दो ये वीडियो को लाइक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे म्यूजिक के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको देखो यहाँ पे आप अगर जाओ यूट्यूब में तो जाने के बाद आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये कोई भी चैनल समझो ये है रितेश कुमार झा, ये कौन है ओके उसके चैनल इस पर ओपन किया, ओके चैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब मैंने ऑलरेडी किया है तो इसको पॉज कर देता हूँ।
ओके, सब्सक्राइब नहीं है समझो आप, अभी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो, और अगर हो भी तो सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सक्राइब हो गया मगर यहाँ पे एक बेल आइकन आ गया या घंटे का निशान आ गया, ये देखो ये घंटे का निशान है ना, तो वो घंटे पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन। ओके, तो मतलब ये जो चैनल है, ये लाइट म्यूजिक वाला ये जो बंदा है, ये जो भी वीडियो डालेगा तो उसको हर एक इसको मेरे को मैसेज मिलेगा या मेल मिलेगा, मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, इस पर मोबाइल पे, कि यहाँ पे इसने कुछ तो नया डाला है। तो होता क्या है, मैं बहुत बार वीडियो डाल देता हूँ मगर सब वीडियो आप तक नहीं पहुँचते, बहुत बार क्या होता है कोई रैंडमली, जब आप सिर्फ सब्सक्राइब ये नहीं करोगे, सिर्फ सब्सक्राइब रहेगा, देखो यू विल गेट नोटिफिकेशन, मतलब आप रैंडमली नोटिफिकेशन मिलेगी आपके, ये देखो ओकेजनल नोटिफिकेशन। ओके, तो इससे क्या होगा कि हर एक वीडियो का आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बेल आइकन है यहाँ पे, इसको क्लिक करो तो हर एक बार वो घंटा बजेगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा, तो आपको मेरे हर एक वीडियो मिल जाएगा और आप हर एक वीडियो देख पाओगे। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा सच में ये वीडियो हेल्पफुल है और अच्छा है, तो जल्दी से कर दो लाइक, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।